प्रिय मित्रों, आज हम गीता का उपदेश का वर्णन कर रहे हैं जो श्री कृष्ण जी ने उद्धव को सुनाए थे। श्री उद्धव जी को सुनाए थे। श्री उद्धव जी बोले कि हे कृष्ण जी, आप ही आदि मध्य और अंत से रहित साक्षात ब्रह्म हैं। आप ही सबके आधार और मनुष्य के सर का ताज, पालन तथा नाश करने वाले हैं। हे नाथ, जाने अनजाने सभी आपकी उपासना करते हैं। जो ज्ञानी आपको नहीं जानते, वे भी वेदों के सहारे छोटे बड़े पदार्थों में भावना करते हैं और इसी तरह मुक्त हो जाते हैं, यह मैंने सुना है। वह कैसे मुक्त हो जाते हैं, इसे मुझे समझा कर कहिए। आप सब जीवों के मन की बात जानते हैं और सभी में गुप्त रूप से आप वास करते हैं। आपकी माया से सब प्राणधारी मोहित हो रहे हैं, इस कारण वे आंख रहते हुए भी आपका दर्शन नहीं पा सकते। हे श्री कृष्ण जी, अब आप धरती, आकाश, पाताल और दिशा विदिशाओं में जो आपकी शक्ति से जुड़ी हुई विभूतियां हैं, उन्हें सुनाइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे उद्धव जी, जो प्रश्न आप पूछ रहे हो, यही प्रश्न अर्जुन ने पूछा था जबकि कुरुक्षेत्र में कौरवों के साथ युद्ध करने को खड़े थे। मैं मरूंगा, ये मरेंगे, कुटुंबियों का वध होगा, ऐसा मोह उन्हें उत्पन्न हुआ जिससे मेरी निंदा होगी और मुझे पाप लगेगा, इस ध्यान से युद्ध करने से उपेक्षा कर दिए थे। इस समय मैंने ही उन्हें गीता का उपदेश दिया था। इस प्रकार मैं तुम्हें भी वही उपदेश सुनाता हूँ। हे उद्धव, सारे प्राणधारियों की आत्मा, मित्र, बंधु और परमात्मा रूप से पूज्य मैं ही हूँ और उनके पालन नाश का कारण मैं ही हूँ। तीनों गुणों से मिली प्रकृति मुझे ही समझो। सबको बस में करने वाला काल मैं ही हूँ। वस्तुओं में जो स्वाभाविक गुण है वह मुझे ही समझो। तीनों गुणों से संयुक्त पदार्थों में जो क्रिया शक्ति है वह मैं ही हूँ। वेदों के गुरु ब्रह्मा मुझसे ही उत्पन्न है। वेदों में ओम, अक्षरों में अकार और छंद्रों में गायत्री छंद्र मुझे ही जानो। मैं देवों में इंद्र, ब्रह्म ऋषियों में भृगु, राज ऋषियों में स्वयंभुव मनु, देव ऋषियों में नारद, गौओं में कामधेनु, सिद्धों में कपिल, पक्षियों में गरुड़, प्रजापतियों में दक्ष, पितरों में अर्मा, दैत्यों में प्रहलाद, नक्षत्रों और औषधियों का राजा चंद्रमा और यज्ञों का स्वामी कुबेर मैं ही हूँ। हे उद्धव जी, गजों में एरावत, जलचरों का राजा वरुण, ताप और कांतिमानों में सूर्य तथा मनुष्यों में राजा मुझे ही समझो। घोड़ों में उच्चैःस्रवा, धातुओं में सोना, दंडधारियों में यमराज, सर्प का राजा वासुकी, नागो अनंत और पशुओं में मैं सिंह मैं ही हूँ। हे उद्धव जी, मैं आश्रम में संन्यास हूँ, वर्णों में ब्राह्मण हूँ, तीर्थों और नदियों में गंगा हूँ और स्थिर जलाशयों में समुद्र हूँ। आयुधों में धनुष, धनुषधारियों में महादेव, निवास स्थान में मेरु पर्वत, गहन स्थानों में हिमगिरी, वनस्पतियों में पीपल, औषधियों में जो मैं हूँ। पुरोहितों में वशिष्ठ, वेदार्थ जानने वाले में बृहस्पति, सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय और सत्य मार्ग शिक्षकों में ब्रह्मा मैं ही हूँ। यज्ञों में ब्रह्म यज्ञ, व्रतों में अहिंसा व्रत, शुद्धि में वायु, अग्नि, जल और ब्राह्मणों का वचन मैं ही हूँ। अष्टांग वेगेश्वरों में समाधि, विजय चाहने वालों में नीति, विवेकियों में ब्रह्म विद्या, संशयवादियों में नर नारायण, ब्रह्मचारियों में सनत कुमार, धर्मों में संन्यास, अभय स्थानों में अंतरिक्ष, गुहों में मधुर भाषण तथा मौन, जोड़ी में आधा अंग स्त्री आधा पुरुष, उत्पन्न करने वाले अज में अभिजीत, जुगों में सतपुरुष मैं ही हूँ। हे उद्धव जी, धीरों में असित और देवता ऋषि, वेदों के विभाग करने वालों में व्यास, बुद्धिमानों में शुक्राचार्य, प्राणधारियों का जन्म मरण आना जाना, विद्या और अविद्या, इन छओं को जानने वाले में वसुदेव, भक्तों में तुम, बंदरों में हनुमान, विद्याधरों में पद्मराग,
सुंदर वस्तुओं में कमल की कली, दर्भ जातियों में कुश, होम की सामग्री में गऊ का घी, उद्योगियों में धन, जुआरियों में कपट दूत, सहन करने वालों में सहनशीलता, धीरजवानों में धीरज, बलियों में शारीरिक बल और इंद्रिय बल, भक्तों की भक्ति में कुर्म, वासुदेव आदि मूर्ति, गंधर्वों में विश्वास वसु, अप्सराओं में पूर्वचिति, पर्वतों में स्थिरता, भूमि का गुण गंध, जल का गुण मधुरता, तेजस्वी पदार्थों में अग्नि, सूर्य चंद्र और तारागणों में प्रभा, आकाश का शब्द गुण, ब्राह्मण भक्तों में राजा बलि, वीरों में अर्जुन, इंद्रियों के 10 धर्मों में देखना धर्म गुणत्व और उनके सब विकार, 10 इंद्रियों में मन, 25 तत्व और आदि ब्रह्म, ये सब मैं ही हूँ। धरती आदि के परमाणुओं की चाहे गिनती हो जाए, लेकिन मेरी विभूतियों की गिनती नहीं हो सकती। जब मेरे ही रचे ब्रह्मांड मुझसे नहीं गिने जाते, तब मेरी रची विभूतियाँ क्यों कर गिनी जा सकती है? हे उद्धव जी, जिस जिस में प्रभाव, सम्मति, ऐश्वर्य, लज्जा, दान, सुंदरता, भोग, बल और विज्ञान आदि गुण हो, उनमें मेरा ही अंश मानो। ये सब विभूतियाँ मैंने तुमसे कह दी, ये मन लगाने योग्य नहीं है, कारण ये सब विकार की है। तब जैसे आकाश का फूल, खरगोश की सिंह आदि कहने को है, वैसे ही इन विभूतियों को जानो, क्योंकि ये सब असत्य है, सत्य केवल मैं परमात्मा ही हूँ। हे उद्धव जी, अब तुम मन, वाणी और इंद्रियों को वश में कर लो और बुद्धि को निश्चय बुद्धि बनाकर उससे बुद्धि निग्रह करो, तो आवागमन के मार्ग में न पड़ोगे। जो सन्यासी भली भांति मन, बुद्धि और वाणी को वश में नहीं करता, उसके व्रत, तप, ज्ञान आदि जैसे घड़े का जल धीरे धीरे गिर कर सब निकल जाता है और घड़ा भी गल जाता है, वैसे ही निकल जाता है। और जो मुझ में मन लगाकर बुद्धि से मन और वाणी को वश में करते हैं, वह धन्य हो जाते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।